नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम विनय है और मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट सहा मार्केट आगरा से। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ और आज वीडियो लेके आया हूँ रियलमी फ़ोन है। क्या है ये फ़ोन? जो है रियलमी का है और वैसे अगर सर्च करते हैं तो ये जो मॉडल नंबर है वो है रियलमी C11। तो इसका जो मॉडल नंबर है रियलमी C11 और 2021 मॉडल है, रियलमी C11 2021 मॉडल है। और इसका जो इसकी प्रॉब्लम है वो है FRP की। प्रॉब्लम क्या है इसमें? FRP लॉक की प्रॉब्लम है। मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ इसमें क्या लगा हुआ है। FRP लॉक लगा हुआ है। तो इसे आज मैं कैसे बाईपास करता हूँ डोंगल से, वही आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सरल तरीके से। अगर आपके पास कोई सेट आता है तो आप उसे कैसे करना है लॉक, ठीक है, तो आप समझ जाएं कैसे लॉक करना। अगर एक बार आप वीडियो प्रॉपर पूरा देख लेंगे तो 100% श्योर है कि आप सेट को अनलॉक करना, FRP बाईपास करना सीख जाएंगे। चलते अपने सिस्टम चलते हैं, आइए। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि जो इसका टूल्स है यूनिसॉस का, वो हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यस करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्टीमेट यूनिसॉस मॉड्यूल वर्जन 0.2 है, वर्जन इसका है 0.2। लेकिन अगर हम इसी को हम ओपन करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं सपोर्ट साइट पर, तो इसका जो मुझे वर्जन मिलता है, मैं इसको मिनिमाइज कर क्लोज कर देता हूँ, क्लोज किया, और मैं टूल को ओपन करता हूँ सपोर्ट साइट पर। तो दोस्तों, इसका जो मुझे वर्जन मिल रहा है वो हम देख पा रहे हैं कि वर्जन यूनिसॉस वर्जन 1.0 में ये मॉडल आपका अनलॉक नहीं होगा, आपको वर्जन 2 करना पड़ेगा। आप वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ना डाउनलोड होता हो तो आप मुझे क्लिक करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। हम दोबारा से टूल को ओपन करने जा रहे हैं और ओपन करने के बाद देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, FRP लॉक। क्या लगा हुआ है? FRP लॉक। अब दोस्तों, मुझे करना क्या है कि सबसे पहले जो हम रिपेयर करते थे वो मुझे आते थे डायग्नोस्टिक मोड यूनिट्स पर जाते थे, यहाँ पर पहले करते थे कनेक्ट फोन। लेकिन अब मुझे क्या काम करना है, हमें जाना है फ्लैश मोड पर, हमें फ्लैश मोड टैब पर जाना है और यहाँ पर मुझे चेक करना रियलमी, क्योंकि जो वर्जन 0.1 है उसमें रियलमी का मॉडल नहीं ऐड हुआ है। अब देखो, रियलमी मॉडल जो वर्जन 0.2 है उसमें रियलमी मॉडल ऐड हो गया है। तो देखो, यहाँ मॉडल है रियलमी RMX 3231, एक रियलमी है C11 2021, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर लिखा रिमूव FRP। क्या लिखा हुआ है? रिमूव FRP लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सेट को पहले ऑफ कर लेना है आपको, प्रॉपर तरीके से ऑफ कर लिया है। ऑफ करने बाद इसकी जो बूट की होती है वो होती है प्लस और माइनस। क्या होती है? प्लस और माइनस। हम दोनों की को एक साथ दबाएंगे, ठीक है। हम दिखा देते हैं आपको, ये है आपका डिवाइस मैनेजर, हम दोनों की को एक साथ बटन दबाते हैं, ठीक है, दबा दी मैंने। जैसे बटन दबाएंगे तो यहाँ पर SPRD का पोर्ट बन के आ गया, आ गया SPRD का पोर्ट बन के आ गया। चलिए, अब क्या करना क्या है, यहाँ पर आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है। रिफ्रेश पर देखो, यहाँ पर पोर्ट बन गया 2000 SPRDU2S COM 14 का पोर्ट बन गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका मोबाइल क्या हो गया है, कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम ट्राई करते हैं, पोर्ट बनाते हैं। चलिए, अब इसमें क्या काम करना है, आपको एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है और आपको प्लस और माइनस दोनों की रखनी दबा के एक साथ। हम प्लस माइनस बटन दबा लेते हैं और एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं, दोनों बटनों को एक साथ दबाना है, प्लस माइनस और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दिया है। FRP पर सेट बूट नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, एक बार केबल को निकाल के फिर से बटन दबाते हैं, सेट बूट कर गया, मेरा पोर्ट बन गया है। और जब तक बटन दबा के रखेंगे प्लस माइनस, जब तक सेट आपका FRP बाईपास ना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, आपका FRP बाईपास हो गया, लिख के आ गया रिमूव FRP वेट ओके, ठीक है, रिमूव FRP वेट ओके। देखो यहाँ साहब, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका FRP बाईपास हो गया है और ये सेट मेरा ऑन हो गया है। अब चलिए, ऑन होने के बाद देखिए,
सेट ऑन हो रहा है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करिए, ठीक है। मेरा नंबर दिया हुआ है तो आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी टॉक बैक पर है तो हम इस टॉक बैक को ऑफ कर लेते हैं। देखिए अगर सर टॉक बैक पर आ गया, हमने प्लस माइनस ज़्यादा देर तक रखा था दबा के, इसलिए सर टॉक बैक पर आ गया है। अब मुझे करना क्या है, आप प्लस और माइनस ये सारे बटन दबा कर रखिए, प्लस और माइनस, ठीक है। टॉक बैक ऑफ हो गया मेरा, बैक करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर कोई भी FRP का ऑप्शंस नहीं आ रहा, लॉक का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो बैक इशू करते हैं और ऑफलाइन कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए मोर कर दिया, मोर एस्पेक्ट एंड स्किप एनी वे कर देंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं FRP बाईपास 100% हो चुका है, ठीक है। स्किप कर देते हैं, स्किप, ठीक है। तो ये आपका मॉडल FRP बाईपास हो गया है। तो दोस्तों एक बार मॉडल आपको चेक करा देता हूँ मैं कि मॉडल नंबर क्या है ये। हम जाते हैं सेटिंग पर जाते हैं, और सेटिंग पर जाने के बाद अबाउट फ़ोन, ये मॉडल नंबर रियल मी सी ग्यारह है बीस इक्कीस। तो इस प्रकार आपका FRP बाईपास हो गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फ्रॉम सो मच हाईटेक इंस्टीट्यूट।